नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं, मेरी लेक्चर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 25 है। मैं आपको आज बताऊंगा वैदिक यूनिट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी हम कोई क्लासिकल पढ़ते हैं, जैसे बृहत पाराशर वरा शास्त्र या बृहत जातक पढ़ेंगे या कोई भी क्लासिकल पढ़ेंगे जो ग्रंथ है हमारे ज्योतिष के, उसके अंदर हमेशा इस्तेमाल होता है घटी का, पल का, विघटी का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि घटी, पल, विघटी, ये सब चीज़ें क्या हैं। और हमारी जो जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारी हैं, जैसे मिनट है, आवर है, सेकंड्स हैं, उससे क्या रिलेशन इनका बनता है, ताकि समझने में आसानी रहे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शुरू में यहाँ से समझाता हूँ वैदिक यूनिट्स के बारे में। इनको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं ये। एक दिन, वन डे में होते हैं 24 आवर्स, ये याद रखिए। एक दिन में होते हैं 30 मुहूर्त, ये याद रखिए। एक दिन में होती हैं 60 घटी, ये याद रखिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में 30 मुहूर्त और एक दिन में 60 घटी। तो इस तरीके से ये टाइम हो गया। अब अगर आप देखें तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त हैं, 24 आवर्स इज इक्वल टू 30 मुहूर्त। तो अगर हमें निकालना हो कि एक मुहूर्त हमारा किसके बराबर होगा, तो वन मुहूर्त इज इक्वल टू 24/30 आवर्स के बराबर। आवर्स इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट्स के बराबर आ जाएगा। तो 30 से ये 60 कटेगा तो 2 बचेगा, यानी 48 मिनट्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो मुहूर्त हमारा होता है, जब हम बोलते हैं ना कि ये मुहूर्त निकला जा रहा है, अक्सर हम बातें करते हैं, वो मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट्स। तो ये एक मुहूर्त हुआ हमारा 48 मिनट्स। अब इसमें मैं आपको और आगे दिखाता हूँ, जैसे इसको आपने नोट कर लिया होगा कि वन मुहूर्त इज इक्वल टू 48 मिनट्स, ये आपका हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि 24 घंटे में कितनी घटी हैं, 60 घटी हैं। 24 घंटे में 60 घटी हैं, तो एक घंटे में कितनी घटी होंगी, 24 आवर्स में 60 घटी हैं, तो एक घंटे में होंगी 60/24 आवर्स के हिसाब से, या इसको अगर हम मिनट में कर दें तो ये निकल जाता है हमारा। तो ये 60/24 नहीं होगा, क्योंकि हमारी मुहूर्त घटी है, जो हम कह रहे हैं कि 24 आवर्स में हमारी 60 घटी होती हैं, तो हमने निकालना है कि एक घंटे में हमारी कितनी घटी होगी। एक घंटे में हमारी 60/24, 60 को 24 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका 5 to 2.5, यानी एक आवर में 2.5 घटी होती है, 1 आवर में 2.5 घटी होती है, ये आपका यहाँ से निकल गया। ये सिंपल है, 1 आवर में 2.5 घटी। तो जब भी हमें आवर्स को घटी में चेंज करना हो तो एक घंटे को 2.5 घटी के बराबर लेना चाहिए। अब इसके बाद आता है हमारा कि एक घटी कितनी देर की होती है। तो ये तो हमने निकाला कि 24 घंटे में 60 घटी होती हैं और एक घंटे में कितनी घटी होती हैं। अब ये देखते हैं कि एक घटी में कितना टाइम होता है, घंटे कितने होते हैं या मिनट्स कितने होते हैं, क्या होता है। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, 24 आवर्स में 60 घटी हैं, तो एक घटी में कितना होगा, 24/60 आवर्स, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना मिनट्स, ये कैंसिल हो गया तो 24 मिनट्स। इसका मतलब एक घटी हमारी होती है 24 मिनट्स के बराबर। तो ये ना याद कर लीजिए, ये एक घटी 24 मिनट्स के बराबर हो गई हमारी। सिंपल आ गया कि एक मुहूर्त 48 मिनट, एक आवर 2.5 घटी और एक घटी हमारी 24 मिनट के बराबर हो गई। अब एक घटी हमारी, ये क्या होता है, हमारी जो एक घटी होती है उसका, और उसके नीचे चलते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारी एक घटी, ये वन घटी इज इक्वल टू 60 विघटी, ये है, ध्यान रखिए इसका। 60 विघटी मीन्स पल भी बोलते हैं इसको। तो देखा होगा आपने क्लासिकल्स के अंदर, जो ज्योतिष के शास्त्र हैं, कि इनको घटी पल में चेंज कर लीजिए। तो घटी को अब पल में चेंज करना है, तो एक घटी है 60 पल के बराबर। तो सिंपल सा सिद्धांत है, तो एक घटी 60 पल के बराबर है, तो एक विघटी या एक पल कितना के बराबर होगा,
एक घटी में कितनी देर होते हैं? 24 मिनट। तो 24 मिनट डिवाइडेड बाई 60, ये एक पल का भाई वैल्यू आ रही है, इतने आवर्स हो गया, मिनट इतने मिनट हो गया, इसको सेकंड्स 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड्स आ गया तो 24 सेकंड्स। इसका मतलब हमारा एक पल जो होता है वो 24 सेकंड के बराबर होता है, या एक विघटी हमारी होती है वो 24 सेकंड्स के बराबर होती है। तो एक विघटी या एक पल, जिसको भी आप लिख सकते हैं, ये 24 सेकंड्स के बराबर हमारी हो गई। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये मैक्सिमम मोटी मोटी यूनिट्स आपकी आ चुकी हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे चलने के लिए हमारा इसमें क्या है कि एक घटी में तीस कला होती हैं। आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि इसको कला, विकला, पल में चेंज कर लीजिए। तो ये ध्यान रखिए कि एक घटी में 30 कला होती हैं। तो एक घटी कितने की है आपकी? 24 मिनट की। एक घटी आपकी है 24 मिनट्स की। तो 24 मिनट्स इज इक्वल टू 30 कला। तो एक कला कितने की हुई? एक कला बराबर हमारी हो जाती है 24 बाई 30 मिनट्स, इतने मिनट्स की। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने सेकंड्स की हो जाएगी, यानी 48 सेकंड्स। तो एक कला हमारी हो गई 48 सेकंड्स के बराबर। ये टाइमिंग में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये हमारी एक कला हो गई 48 सेकंड्स। अब एक कला हमारी होती है जो हम लोग लेते, तो यहाँ तक हमने एक कला तक इसको निकाल दिया। तो अब एक कला में इसके आगे भी हमारी यूनिट्स होती हैं, वैदिक यूनिट्स होती हैं, कि जो एक कला होती है वो बराबर होती है 30 काष्ठा के। एक कला बराबर होती है 30 काष्ठा। इन सबको नोट करते रहिए प्लीज़, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये 30 काष्ठा के बराबर होती है। अब एक कला कितना है? 48 सेकंड। तो 48 सेकंड इज इक्वल टू 30 काष्ठा। तो एक काष्ठा की वैल्यू निकालनी हो तो 48 बाई 30 सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो 48 बाई 30 सेकंड्स करेंगे तो हमारी एक काष्ठा की जो वैल्यू आती है दैट विल बी 1.6 सेकंड्स। तो ये एक काष्ठा आ गया हमारा, एक काष्ठा की वैल्यू 1.6 सेकंड आ गई हमारी। तो इस तरीके से हमारा ये भी निकल गया काष्ठा में कैसे होगा। फिर काष्ठा से नीचे की भी वैदिक यूनिट है कि काष्ठा को भी नीचे ले जाएं। काष्ठा को नीचे ले जाने के लिए क्या है कि एक काष्ठा हमारी होती है 18 निमेश के बराबर। वन काष्ठा इज इक्वल टू 18 निमेश, इसके बराबर। तो अब एक निमेश की वैल्यू निकालते हैं। एक काष्ठा हमारी बराबर है 1.6 सेकंड के। अब इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो एक निमेश आ जाएगा और ये हमारा आता है 0.089 सेकंड्स, यानी यहां तक हम पहुंच गए। तो ये एक निमेश हमारा आ गया 0.89 सेकंड। तो देखिए कितनी छोटी छोटी यूनिट्स आ रही हैं। इससे भी नीचे जाता है, इससे नीचे क्या जाता है कि अगर एक निमेश को ले हम लोग तो एक निमेश हमारा इतना आ गया। एक निमेश हमारा होता है, इससे भी नीचे की मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, दो यूनिट्स और हैं इससे नीचे की ताकि ये हमेशा याद रहेंगी। एक निमेश के नीचे जाता है, कहीं निमेश लिखा आपको दिखाई दे तो वो होता है 30 तत्पर के बराबर। तो एक निमेश है हमारा 0.89 सेकंड, तो डिवाइडेड बाई 30 सेकंड्स का हमारा एक तत्पर हो जाएगा। ये हमारा आएगा एक तत्पर हमारा जो आ जाता है वो हमारा करीब करीब ये 0.89 डिवाइड बाई 30, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.89 को 30 से डिवाइड करेंगे या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया 0.3 समझ लीजिए आप, करीब करीब 0.3 आपका ये फिगर इसके अंदर आ जाती है। तो ये हमारा फिगर हो गई इसकी। तो इस तरीके से फिर हम लोग इससे नीचे भी जा सकते हैं। एक निमेश में, एक तत्पर में 100
त्रुटि होती है, फिर एक त्रुटि की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया, जो घटी विघटी और पल की कैलकुलेशंस होती हैं वो इस तरीके से हैं कि एक दिन में 24 घंटे 30 मुहूर्त 60 घटी, ये आपको याद रखना है। उसके हिसाब से फिर आप चेंज कर सकते हैं कि एक मुहूर्त कितनी मिनट का होता है, एक ओवर कितने घंटे कितनी घटी का होता है, एक घटी में कितने मिनट होते हैं, एक पल या विघटी में कितने सेकेंड्स होते हैं, एक कला में कितनी सेकेंड्स होती हैं, एक काष्ठा में कितनी सेकेंड्स होती हैं और एक निमेश में कितने सेकेंड्स होते हैं और साथ ही एक तत्पर में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये था इसका मोटा मोटा चीज़। इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, ज़रा सा एक इसके अंदर फार्मूला और है, एक घटपाती है कि एक पल, ये विघटी और पल हमारा ये था, एक पल हमारा होता है 6 प्राण के बराबर। तो एक पल की वैल्यू हमारी है 24 सेकंड। तो 24 सेकंड इज इक्वल टू 6 प्राण, तो एक प्राण हमारा हो गया 4 सेकंड के बराबर। ये प्राण वो है कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। तो ये कई जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये 100 प्राण के बराबर है या 10 प्राण के बराबर है, तब आपको निकालना पड़ेगा कि ये प्राण क्या है। ये यूनिट कई जगह ग्रंथों में दी होती है प्राण के नाम से, तो वो 4 सेकंड के बराबर एक प्राण हमारा होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये सब यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारी यूनिट्स वगैरह समझ में आई होंगी। इनको सबको नोट कर लीजिएगा और ध्यान से रखिएगा। तो कभी भी कोई क्लासिकल ग्रंथ या ज्योतिष शास्त्र आप पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टाइम निकालने में, कन्वर्ट करने में टाइम। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छा लेक्चर आपको लगा होगा। और आपको पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे मोटिवेशन को इंक्रीज़ करता है ताकि मैं अलग अलग वीडियो आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।